नमस्ते ऑल, आई एम लव तोमर। जानते तो हो भैया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा है कि आप लोग सोच रहे होंगे ये सब पहन के मैं क्यों खड़ा हूँ, तो इसलिए खड़ा हूँ कि दो तीन दिन पहले मैंने क्या हुआ कि YouTube पर वीडियो देख ली, ठीक है। तो YouTube का जो मास्टर लोग हैं वो ऐसे ही कोट वोट पहन के पढ़ाते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। अब देखो, अब समझो मजबूरी को। देखो, एक तो हम इंजीनियर हैं और दूसरे क्या हैं, नहा धो के आए हैं, और तीसरे क्या, जिंदा खड़े। तो इस बात पे सब्सक्राइब बनता है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे इस बात पे, ठीक है। सारे लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। अब ये सोच रहे होगे सफ़ेद बोर्ड पीछे सफ़ेद बोर्ड क्यों रखा है। ये सफ़ेद बोर्ड पुताई के लिए रखा है, इस पर पुताई करेंगे। इसे क्या करेंगे, फिजिक्स पे पोत देंगे पूरा, इस पर कंडक्शन पोत देंगे, इंडक्शन पोत देंगे और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन पोत देंगे। अब क्या करना, उस पूरे को उठा के दिमाग के अंदर भर लेना। जब दिमाग के अंदर भर लोगे तो कंसेप्ट बिल्कुल मक्खन जैसे कंसेप्ट हो जाएंगे, और जब मक्खन जैसे कंसेप्ट हो जाएंगे ना, तो क्वेश्चन भी बिल्कुल मक्खन की तरह बनेंगे भैया, मक्खन की तरह क्वेश्चन भी मक्खन की तरह बनेंगे। तो मक्खन जैसे क्वेश्चन बनाने के लिए बकवास बंद कर लें, वापस पढ़ाई शुरू कर लेते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैं लिखाता हूँ कंडक्शन पढ़ लेते हैं। अब कंडक्शन जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ से क्या करते हैं, CON को उधार ले लेता हूँ मैं, CON उधार ले लिया, और यहाँ से CT को उधार ले लेता हूँ, CT को उधार ले लिया। अब बीच में क्या करो, यहाँ पर ए रख दो, तो कितना हो गया, ये रख दिया, ठीक है। और यहाँ ये देख दो, ये रख दो, ठीक है, टी रख दिया, यानी टी और ए यहाँ रख दिया, ठीक है। तो क्या बन गया, ये बन गया कॉन्टैक्ट। मतलब क्या है, कॉन्टैक्ट मतलब छूना है। अब छूना कैसे है, फिजिकली छूना है, ये नहीं कि नज़रों से छू लिया, दिल से छू लिया, वो नहीं, फिजिकली छूना है। मैं जानता हूँ फिजिकली छूना, मैं सब समझ गया हूँ, टेंशन ना लो। अब क्या है, देखो जानते हैं कि कोई भी बॉडी होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहती है, ठीक है, न्यूट्रल रहती है कि नहीं, न्यूट्रल स्टेट में रहती है कोई बॉडी। अब अगर क्या करते हैं कि उसमें, अगर मैं क्या करता हूँ, उसमें से कुछ चार्ज को निकाल लूँ, कुछ चार्जेस को उसके अंदर से निकाल लेता हूँ, तो चार्जेस को अगर उसके अंदर से निकाल लिया तो वो उस क्या हो जाएगा कि डेफिसिट हो जाएगी, यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो गई, ठीक है। और अगर चार्ज दे दिए तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी चार्ज दे दिया ऐसा माना जाएगा, ठीक है, यानी एक्सेस चार्ज हो गया उसके पास, ठीक है, ये वाली बात हुई। अब देखो, जैसे मैं बताऊं कि कंडक्शन को ऐसे ध्यान से समझेंगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मैंने क्या किया कि ये कोई अनचार्ज बॉडी है, और मैंने क्या किया कि मैं उसके पास चार्ज वाली बॉडी लेके आया, और जैसे ही मैं चार्ज वाली बॉडी लेके आया तो इस चार्ज वाली बॉडी से क्या हुआ, इस पर भी ये चार्ज आ गए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, टच करने से, यानी फिजिकली टच करना, छूना है उसको, ठीक है, छूना तो है। अच्छा, तब होगा, यानी अब मेरी बात समझो ऐसे हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ समझाओ, तो इसमें थोड़ा बहुत लिखो, अच्छा देखो, अभी मैं चाय पी रहा, तो गर्मा गर्म चाय क्या थी, गर्म गर्म स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, इससे मैंने कंडक्शन ही तो किया, ठीक है, चार्जेस को ट्रांसफर ही तो किया, यानी एक बॉडी में चार्ज से दूसरी न्यूट्रल बॉडी थी वहाँ से ट्रांसफर होगा, यही तो किया, तो ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा, एक बार ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा, तो क्लास चल रही, तो क्लास में भी हाथों में हाथ लिए, कंडक्शन चल रहा था, मैंने कहा क्या हो रहा है, बोलते हैं, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिकल नहीं करने हैं, आगे आते हैं, इंडक्शन पढ़ लेते हैं, कंडक्शन जान लिया तो इंडक्शन के बारे में जान लेते हैं, तो इंडक्शन भी जान लेते हैं बेटा, इंडक्शन लिख लेते हैं, अरे सब सीख जाओगे, एक एक चीज सीख जाओगे, टेंशन ना लो, सब सीख जाओगे, इंडक्शन। अच्छा, मेरी बात समझो, सबसे पहले इंडक्शन मतलब क्या होता है, इंडक्शन मतलब होता है वैसे आना जाना, यही सब होता है इंडक्शन मतलब, या फिर कोई नया काम दे देना, ये सब होता है इंडक्शन मतलब। अच्छा, ऐसा होता है क्या इंडक्शन मतलब, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, पता है इंडक्शन से मतलब, इंडक्शन मतलब है बिना छुए ही,
बिना छुए ही, उसमें जो छू छू के काम हो रहा था वो यहाँ बिना छुए ही हो जा रहा है, बिना छुए ही हो जा रहा है। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये चार्ज, ये फ़ोन था, फ़ोन में क्या है चार्जर को लगा दिया तो कॉन्टैक्ट हुआ ना, फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ ना, तभी तो चार्ज हुआ, तो कंडक्शन हो गया ना। अच्छा अगर ऐसा कुछ हो जाए कि बिना चार्जर में लगाए चार्ज हो जाए, होता तो है, होने लगा अब तो बेटा इंडक्शन हो जाएगा ना, इंडक्शन हो जाएगा। मैं तो बड़ा इंतज़ार करता हूँ कि इंडक्शन आ जाए, मेरे इंडक्शन आएंगे, मेरे इंडक्शन आएंगे, यही सोचता रहता हूँ कि इंडक्शन किसी दिन तो होगा। तो देखो मेरी बात समझो कि बिना अगर चार्ज में लगाए चार्ज होने लगे फ़ोन, तो कितना कुछ बच जाए। कई बार रास्ते में जा रहे होते हैं और फ़ोन डिस्चार्ज होने लगता है, सीधा भाग के आते हैं और सीधा स्विच में आके घुस जाते हैं और चार्ज में लगा देते हैं, लो लगा देते हैं कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, बड़ी कृपा हो जाएगी अगर लोग जल्दी जल्दी इसमें थोड़ा रिसर्च करके अच्छा और बना दें, इसे 1 किलोमीटर दूर से ही चार्ज हो जाए करें। वाह क्या इंडक्शन है, मज़ा आ गया। ठीक है ऐसा होगा। अब देखो मेरी बात सुनो, एक बात सुनो, इसके ऊपर एक शायरी सी याद आ गई मुझे, ज़रा सुनो ध्यान से। मानोगे नहीं मेरी बात, मानोगे नहीं मेरी बात मगर मैं झूठा नहीं, मानोगे नहीं मेरी बात मगर मैं झूठा नहीं, अक्सर तुझको छू लेता हूँ जब तुझे छूता है। अब ये इंडक्शन वाली शायरी थी, इंडक्शन वाली भावनाओं को समझो, इंडक्शन वाली शायरी थी, बिना छू छू लिया, इंडक्शन वाली शायरी थी। अब मेरी बात समझो ध्यान से, इसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल तरीके से तुम्हें समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझो, सब सीख जाओगे, एक एक चीज़ सीख जाओगे। क्या था कि दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली में जब रह रहे थे तो हॉस्टल, ये हॉस्टल है, हॉस्टल है, तो हॉस्टल पे सारे लड़का लोग ऊपर छत पर रहते थे, ठीक है, ये उनका घर था, ठीक है, इधर रहते थे, और दूसरी तरफ ये, दूसरी तरफ ये, दूसरी तरफ ये, दूसरा छत पास में छत, यहाँ सारे के सारे लड़की लोग इकट्ठे हो गए। बेटा एग्जाम्पल है, भावनाओं को समझेंगे, एग्जाम्पल है। अब क्या है, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे के सारे यहाँ से क्या करते हैं, लड़कियाँ डांसिंग कर रही हैं, क्या कर रही हैं, डांसिंग, डांसिंग कर रही हैं, डांसिंग कर रही हैं, डांसिंग करने की वजह से सारे के सारे लड़के यहाँ आके इकट्ठे हो गए, यहाँ आके इकट्ठे हो गए, यहाँ आके इकट्ठे हो गए। अब क्या है, बाकी जो लड़का लोग यहाँ से आना चाह रहे थे ना, यहाँ पास आना चाह रहे थे, तो इनने पहले ही यहाँ जगह घेर ली, छत के पास आके यहाँ जगह घेर ली, छत के पास जगह घेर ली। अब और कोई लड़का लोग यहाँ ना आ पाए तो क्या करते हैं, ये बोलते हैं खबरदार अब कोई हमारे एरिया में नहीं आ सकता, ये एरिया हमारा है। अब क्या होगा, बाकी सारे के सारे नहीं आ सकते, यहाँ पहले से जगह घेर ली। अब मेरी बात समझो, तो यहाँ सारे के सारे लड़के इकट्ठे हो गए। अब ये लड़के इतने हरामी लड़के हैं, क्या हुआ, अपने खुद ये मटर गश्ती कर रहे हैं और अपने बहनों को बोल रखा है खबरदार जो घर से निकली, ऐसे तो होता है। तो सारी बहनें यहाँ बढ़िया यहाँ, हम कुछ भी करें, हम कुछ भी करें, तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ रहो। तो देखो सारे के सारे यहाँ बहनें लोग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ खड़े हैं, मेरी बात समझे, यहाँ लड़की, यहाँ लड़के, यहाँ लड़की, ऐसा ही है ना। अब मेरी बात इसको ज़रा गौर से समझेंगे, इस बात को समझो ज़रा गौर से। मान लो ये, इसको मैं समझता हूँ कि ये कोई चार्ज्ड बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, चार्ज्ड बॉडी है, इस पर क्या है, और ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी थी, इसको मैं समझता हूँ, ये न्यूट्रल बॉडी थी, ठीक है, और ये एक चार्ज्ड बॉडी थी। ज़रा गौर से समझेंगे, ज़रा ध्यान से समझेंगे। न्यूट्रल बॉडी के पास जब चार्ज्ड बॉडी लेके आए, मान लो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थी, नेगेटिव थे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज था। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ, क्योंकि ये न्यूट्रल स्टेट में बॉडी है तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ आ गए, सारे के सारे इकट्ठे हो गए। जब पॉजिटिव चार्जेस यहाँ आ गए तो बाकी पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ आने चाह रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया कि बाकियों को रिपल्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक लेयर बना ली है, उनको आने से मना कर दिया, जैसा यहाँ पर हुआ था जब यहाँ इकट्ठे हो गए, तो बाकी लड़का लोगों को नहीं आने दिया ना, तो यहाँ हो गए। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि नेगेटिव चार्जेस दूसरे एंड पर, नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए। अच्छा ऐसी बात है, नेगेटिव चार्जेस दूसरे एंड पर इकट्ठे हो गए। अब क्या हो रहा है, आप ध्यान से समझो, इसकी वजह से हुआ ना, तो देखोगे ज़रा यहाँ जो चार्जेस इकट्ठे हुए हैं, यहाँ जो चार्जेस इकट्ठे हुए हैं, इनको जैसा कि यहाँ से देखते जाओ, ये डांसिंग लिखा है ना, डांसिंग, तो CING यहाँ से ले लेता हूँ मैं, CING यहाँ से उधार ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, CING यहाँ उधार ले लेता हूँ, तो यहाँ पर CING लिख देता हूँ, CING, यानी ये इंड्यूसिंग चार्जेस, ये वाले इंड्यूसिंग चार्जेस हैं, और इसकी वजह से इंड्यूस्ड कौन हो गए, ये चार्जेस कौन यहाँ आ गए, वो इंड्यूस्ड चार्जेस हो जाएंगे, कौन से चार्ज हो जाएंगे, इंड्यूस्ड चार्जेस, कौन से चार्ज हो जाएंगे, इंड्यूस्ड चार्जेस,
ये इंड्यूस चार्जेस हो गए, इंड्यूस चार्जेस हो गए, उसके बाद देखो दूसरे एंड पर ये चार्जेस आ गए उसकी वजह से। अब ऐसा ही तो ये भी करेंगे, यानी जो तुम करोगे ये भी तो अट्रैक्ट करेंगे किसी को। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो फीलिंग को, समझो, समझे ठीक। तुम्हारे अंदर ये दिमाग नहीं है, ठीक है, उनके अंदर ये दिमाग है। यहाँ से यहाँ पर भी डांस होगा, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा पूरा पूरा इंडक्शन, ठीक है। अब देखो जो इंडक्शन के डेफिनेशन है हम आराम से लिख सकते हैं, समझ गए हैं इसमें क्या रहता है कि जब बॉडी में ये पॉजिटिव चार्जेस इधर आ गए, नेगेटिव चार्जेस इधर आ गए, तो इसमें क्या रहता है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं। इसके बाद क्या करते हैं, तीसरा जो मैं टॉपिक मैंने उठाया है वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, इस वाले टॉपिक को समझ लेते हैं, ये भी सीख जाएंगे, टेंशन ना लो, एक एक चीज़ सीख जाएंगे, टेंशन क्या है। तो लड़का लोग चलो यहाँ से, हेलो चलो घर जाओ, चलेगा बेटा ठीक है, सब सीख जाएंगे, एक एक चीज़ सीख जाएंगे, टेंशन सब हो जाएगा, एक एक चीज़ सीख जाओगे। इसके बाद फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं, अरे बहुत आसान है, सब सीख जाओगे। चलो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन भी पढ़ लेते हैं, क्या है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, फ्रिक्शनल और इलेक्ट्रिफिकेशन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। आप देखो मेरी बात समझो, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन डेफिनेशन स्क्रीन पर जो दिखाई जाती है वहाँ से नोट कर लिया करो, डेफिनेशंस समझाना काम है, तो समझो ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से सब सीख जाओगे, टेंशन ना लो, पॉज करके डेफिनेशन वगैरह नोट कर लिया करो। अब सबसे पहले समझो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन जो लिख रखे बेटा, अब फ्रिक्शनल शब्द से मेरे मन में आ रहा यहाँ फ्रिक्शन, क्या आ रहा फ्रिक्शन, अच्छा है फ्रिक्शन आ गया, अच्छा यहाँ से इलेक्ट्रिफिकेशन, देखो इलेक्ट्रिफिकेशन, अच्छा इलेक्ट्रिफिकेशन शब्द से यहाँ पर मेरे अंदर आ रहा इलेक्ट्रिफाई करना, ठीक है। फ्रिक्शनल से मेरे मन में आया फ्रिक्शन, और इलेक्ट्रिफिकेशन से मेरे मन में आया इलेक्ट्रिफाई, अच्छा इलेक्ट्रिफाई से मेरे मन में, मैंने इलेक्ट्रिफाई समझाया था, मैंने लेक्चर वन में आपको इलेक्ट्रिफाई समझाया था, यानी वो होता है चार्जिंग करना, क्या होता है चार्जिंग करने को कहते हैं इलेक्ट्रिफाई करना। फ्रिक्शन तो समझ गए हम, फ्रिक्शन क्या कैसे किया सकते, रगड़ने से, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर रगड़ेंगे, क्वेश्चन कंसेप्ट में आओ, कंसेप्ट में समझो, ठीक है, मैं जानता हूँ भावनाओं में बह जाती हो, क्या हुआ रबिंग करने से, तो रबिंग किया यानी कि मैंने इस बॉडी को ऊपर रब किया, तो ये क्या हुआ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शनल। इतनी तो बात समझ आ रही है हमें, सब समझ गए। अब होता क्या, देखो मेरी बात समझो, इससे क्या रहता है, रबिंग किस दो बॉडीज़ के बीच में हो सकता है, यानी टू बॉडी चाहिए इसके लिए, क्या चाहिए टू मटेरियल चाहिए, एक मटेरियल क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, और एक मटेरियल क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, ऐसा ही तो करेगा, एक लूज़ कर देगा एक गेन कर लेगा, यानी जो लूज़ कर देगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो गेन कर देगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा ही तो बोला है, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा लूज़ करने वालों के नाम बताओ, ग्लास हो गया, ग्लास क्या करेगा लूज़ करेगा, फर क्या करेगा लूज़ करेगा, वूल क्या करेगा लूज़ करेगा, ठीक है, तो ग्लास फर वूल ये सारे लिखो, ग्लास लूज करेगा, फर लूज करेगा, वूल लूज करेगा, ड्राई हेयर लूज करेंगे, लिख लो, ठीक है। अब गेन करने वालों के नाम भी बताओ, गेन करने वाले मैंने बताया था कौन कौन, बताया था सिल्क, क्या क्या बताया था सिल्क, जैसा कि पता था कि ग्लास पॉजिटिव हो जाता था और सिल्क क्या होता था नेगेटिव हो जाता था, और फर और एवोनाइट हो गए, ठीक है, टेफ्लॉन हो गया, और प्लास्टिक कॉम ले लो, जब क्या करते हैं ड्राई हेयर में प्लास्टिक कॉम, ठीक है। अब समझा ससुरा, वो रामलीला पिक्चर में वो रणबीर ऐसे ऐसे क्यों करता है, वो ये कर रहा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा था, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा था, अच्छा, ठीक है, ये लिख लिया, लिख लो, और फर क्या कर रहा, फर किससे, एवोनाइट से, बूल कट से, टेफ्लॉन से, एवोनाइट से, लिख लो,
सब सीख जाओगे। तो समझ गए हम फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन भी सीख गए। ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट, नोट कर लो इस बात को। अब फिर क्या, अब चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे, बढ़िया मजा आने वाला है चैप्टर में। टेंशन ना लो, एक एक चीज सब सीख जाएंगे, टेंशन ना लो, एक एक चीज सीख जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, आगे के टॉपिक्स को भी कवर करना है तो साथ बने रहना पड़ेगा, और साथ बने रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे, फिर मज़े करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।